राष्ट्रवादी पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा न्यायाध्यानी बिलासपुर से संकल्प छत्तीसगढ़ निरोगी अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका अच्छा प्रतिसाद अब एनसीपी को मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं एनसीपी के इस अभियान से सैकड़ों गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं निशक्त जनों को स्वास्थ्य शिविर का लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, उनकी बीमारियों की स्थिति भी मौके पर ही पता चल जा रही है। संभव इलाज को भी मौके पर किया जा रहा है और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कंसल्ट हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता नीलेश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ अध्यक्ष नोवेल वर्मा के नेतृत्व में संकल्प निरोगी छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत बिलासपुर के 10 अलग अलग जगहों पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों की संख्या में आमजन ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया है और बड़ी संख्या में लोगों का इलाज मौके पर भी हो रहा है। बिलासपुर शहर के दयालबंद नारियल कोठी मिडिल स्कूल के पास स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सीम्स के चिकित्सक डॉक्टर पीयूष कुमार राजपूत ने मौके पर पहुंचने वाले आमजन का चेकअप व इलाज किया। स्वास्थ्य शिविर के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपना बीपी शुगर और अन्य टेस्ट करवाया। जी बताएंगे, शिविर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या उद्देश्य है? देखिए, ये जो शिविर लगा है स्वास्थ्य शिविर एनसीपी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा माननीय श्री नोवेल वर्मा प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय श्री नीलेश विश्वास के मार्गदर्शन में आज हमारे बिलासपुर शहर में आयोजित हो रही है। तीसरा शिविर है एनसीपी का और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है संकल्प निरोगी छत्तीसगढ़। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ के जनताओं के बीच जाकर उनके स्वास्थ्य का जानकारी लेना और उनको स्वास्थ्य लाभ देना, जो कि काम एनसीपी परिवार के द्वारा लगातार और निरंतर किया जा रहा है। जी नाम बताएंगे आप? मेरा नाम हिमांशु राज, शहर अध्यक्ष एनसीपी बिलासपुर छत्तीसगढ़। नहीं, आए दिन बिजली की समस्या बनी है। अगर कहीं से अगर सहारा है तो एक पंखा का सहारा है, वो भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, क्योंकि आए दिन चार चार घंटे, एक एक घंटे, पाँच पाँच घंटे लाइट की कटौती बरोबर नियंत्रण चल रही है। और देखा जाए तो केंद्र सरकार की तो स्थिति ऐसी है कि अपना कुछ भी नहीं बचा है, वो तो सब ठीके में दे दिए हैं, सबको बेच दिए हैं। अभी किस तरीके से मरीज में आए अभी इलाज? मरीज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इस समय मलेरिया का जो प्रकोप है वो घर घर दस्तक दे रहा है। जी, आपका नाम? रमेश कुमार पांडे, प्रदेश सचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़।